भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला हमारे लिए। पाकिस्तान अवेयरनेस वीक हो रहा है यहाँ पर और आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, आप क्या कर रहे हो यार इसमें? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे लिए पर्सनली मेरा ये बिलीफ है कि इंडियन और पाकिस्तानी इज़ बेसिकली द सेम थिंग। मतलब हम सबको कितना टाइम हुआ है, 50 साल हुए हैं, दैट्स नथिंग फॉर मी। फॉर मी पर्सनली आई रियली फील कि हम आगे जाके कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि हम सब एक हो, यू नो, जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस। यू नो, अगर अगर कोई जापनीज और चाइनीज़ मिलता है, देखने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनकी भाषाएं बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे में ऐसा नहीं है, एंड देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट कि हम डिफरेंट नहीं हैं। मुझसे ज़्यादा अमित बिलीव करता है कि हम एक हिंदुस्तान से आए हैं, उसे ये फिक्र नहीं है कि तुम पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो। मैं कहता रहता हूँ कभी कभी, भाई पाकिस्तान पाकिस्तान, भाई हमारा मुल्क है, लेकिन इसने आज तक ये नहीं कहा भाई पाकिस्तान और इंडिया, तो वो बात अच्छी लगी। हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन तो है, स्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और हिंदुस्तान वैसे भी पूरे को बोलते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, सो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ हो रही है यहाँ पर। आज जो हमने किया है उसका उसका रीज़न ये था कि गाने तो बजाने थे लेकिन थोड़ा मैसेज भी भेजना था, एंड दैट वाज द होल रीज़न व्हाई कि हर गाने से पहले ही वाज गिविंग समथिंग अबाउट द सॉन्ग, तो वही पॉइंट था। क्या एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आप दोनों को वाघा बॉर्डर पर देखूँगा, आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर और दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो खड़ी हुई तालियां बजा रही हो? आई थिंक ऐसा दिन आएगा और हम कोशिश करेंगे कि अमित लाहौर की साइड पे खड़ा हो और मैं अमृतसर की तरफ निकल जाऊंगा और ऐसा कुछ स्टेज क्रिएट करेंगे कि जो जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ हैं और वहाँ वाले यहाँ हो, और दैट विल बी द स्टेटमेंट। तो बैंड का नाम क्या होगा, लाहौर से अमृतसर? बैंड का नाम तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है लेकिन इंडो पाक कुछ भी हो, मगर उसमें ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए, जरूर, ताकि इंटरनेशनली भी लोगों को पता चले। सबसे मज़े की बात यह है कि आप हिंदुस्तान से हैं जी और आप पाकिस्तान से हैं जी, तो आप दोनों साथ कैसे खड़े हुए, मार क्यों नहीं रहे एक दूसरे को? अभी यार ये देखो मार को भी क्या है? नहीं, बड़े बड़ा बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आके, हमने देखा कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी साथ काम कर रहे हैं, साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अभी जो इवेंट हुआ इसके बारे में बताएं कैसा लगा आपको? आई लव्ड इट, आई मीन जो म्यूजिक जो हो रहा था ना, आई लव्ड इट, आई लव म्यूजिक, सॉ मी डांसिंग, एवरीथिंग, बस इट्स द वे ऑफ लाइफ। आपको कैसा लगा पाकिस्तानी गाने सुन के? पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, जापानीज है, जो भी है गाना ही है। ओके, आपको कैसा लगा? पाकिस्तान की याद आ गई, इट वॉज फन, और इंडियन गाने भी उसने गाए, और क्योंकि सेम लैंग्वेज है तो इट डजंट मैटर, दो डिफरेंट नेम्स हैं उसके, हिंदी और उर्दू, बट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ लैंग्वेज, सो इट वॉज फन। सी दैट्स द थिंग, आई नेवर अंडरस्टूड दैट, व्हाई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी लेबल करें, इट्स द सेम एग्जैक्ट कल्चर, द सेम एग्जैक्ट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल वी बोथ अंडरस्टूड, so it's just, I mean, music is the language of the world, there's no label for it.